हेलो वेलकम टू ऑल। लास्ट वीडियो हमने डिस्कस करा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने डिस्कस करा था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने ये डिस्कस करा था कि जो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है। आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू एनी सरफेस, यानी जो भी आपके सरफेस से जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास होते हैं वो उसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाते हैं। यहाँ तक हमने डिस्कस करा था, उसके लिए हमने कुछ फॉर्मूला मतलब एक फॉर्मूला डिराइव करा था। अब आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे गॉस थ्योरम, यानी गॉस थ्योरम के बारे में जानेंगे। इंपॉर्टेंट है गॉस थ्योरम, इसके एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले गॉस थ्योरम को आज अच्छे से सीख लेते हैं, देन आफ्टर हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। ओके, तो आपके पास जो आज का कॉन्सेप्ट है वो है गॉस थ्योरम। अच्छे से सीखिएगा इसको, कोई प्रॉब्लम हो तो कॉमेंट करके आप अपनी प्रॉब्लम बताइए, और वीडियो के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है, जिससे कि हम भी थोड़ा मोटिवेट हों और आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियो बनाएं। ओके, नोट कीजिए गॉस थ्योरम। तो आज गॉस थ्योरम के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं, और कल जो मैंने बताया था बहुत अच्छी चीज़ वो भी थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब जो आपके पास चल रहा है, जो भी टॉपिक आएंगे, ईच वन टॉपिक इज़ वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, सो डोंट मिस एनी टॉपिक। ओके, कोई भी टॉपिक को मिस मत करना, सारे टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। गॉस थ्योरम में सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन नोट कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, यानी प्रूफ करता हूँ। आप देख सकते हैं बोर्ड पर आपके पास मैंने लिख दिया है, टाइम सेव हो जाए इसलिए मैंने पहले डेफिनेशन लिख दिया है। तो देखिए, मैं पहले इस डेफिनेशन को पढ़ के समझा दूँ, फिर उसके बाद इसका डिस्कशन करते हैं। ओके, कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, इस थ्योरम के अनुसार, ओके, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई, बता चुका हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है आपके पास, थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस एस, सरफेस होगा एस होगा, सरफेस एरिया होगा तो ए होगा, ध्यान रखना, इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। यानी आप इसने क्या बोला है कि आपके पास, दैट इज कर देता हूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हम लेते हैं टोटल किसी भी क्लोज सरफेस के लिए, ध्यान रखना जो गॉस थ्योरम है क्लोज सरफेस के लिए ही अप्लाई होता है, आपके पास ये क्या हो गया, आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, तो ये क्या होता है, इस टोटल सरफेस, यानी टोटल सरफेस बोल सकते हैं, यानी एरिया लेंगे तो ए, इसके लिए मैं बता चुका हूँ ई डी ए, इसका इंटीग्रल मैं बता चुका हूँ पहले। अगर आप एरिया लेते हैं तो ए लिखेंगे, और सरफेस लेते हैं तो आप लिखेंगे एस, और यहां पर लिखेंगे ई डी एस। तो ये आपके पास जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी भी क्लोज सरफेस में या क्लोज सरफेस के लिए, वो क्या होता है, टोटल चार्ज का, यानी जो उस पर चार्ज है उसका वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। इट मीन्स इसको अगर मैं डायरेक्टली नोट कर दूं तो ये हो जाएगा आपके पास क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है आपके पास क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसके लिए, गॉस थ्योरम में आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होगा वो ये होता है कि कोई भी अगर हम क्लोज सरफेस लेते हैं, यानी जिसको बोल सकते हम गॉसियन सरफेस भी बोल सकते हैं, उसमें क्या होता है कि जो आपके पास चार्ज होता है वो क्या होता है, मल्टीपल किसके साथ होता है, वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ लिखा है ना देखिए, इक्वल टू वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इस इलेक्ट्रिक चार्ज का कितना टाइम्स हो जाता है, वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम, कन्फ्यूज नहीं होना है। और ये मैं बता चुका हूँ, अगर आप सरफेस एरिया लेते हैं तो आप इसको लेंगे, अगर आप सरफेस लेते हैं टोटल तो ये आप इसको नोट करेंगे, नोट कर लीजिए इसको। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, एक चीज मैं और बता दूं, वेयर क्यू, आपको पता ही है कि आपके पास ये टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज, ओके, एंड एप्सिलॉन नॉट है आपके पास परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है आपके पास, क्या है आपके पास, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एक एक कंसेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत कीजिएगा किसी भी कंसेप्ट को, नोट कर लीजिए। अब इसको प्रूफ करके बताएंगे, यानी प्रूफ करके हम इस वैल्यू को निकालेंगे। कल जो हमने प्रूफ करा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, वो हमने ये प्रूफ करा था फाई ई
ईए इज इक्वल टू ईए। लास्ट टाइम ने हमने ये प्रूफ करा था और आज जो हम प्रूफ करेंगे वो ये प्रूफ करेंगे फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि आपके पास है गॉस थ्योरम है। ओके, नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लिया आपने। अब इसके बाद अब करते हैं इसका प्रूफ, किसका, गॉस थ्योरम का प्रूफ। बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत कीजिएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट करके आप अपनी प्रॉब्लम हम तक सेंड कर सकते हैं। प्रूफ करना है हमको गॉस थ्योरम को, इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, प्रूफ करने के लिए मैं पहले कंसिडर लाइन मेंशन कर देता हूँ, टाइम सेव हो जाएगा, उसके बाद में डायग्राम बना लूँगा। आपके ऊपर विशिंग है, या तो पहले आप डायग्राम बना लीजिए, तब आप क्या करिए कंसिडर लाइन लिखिए, या फिर कंसिडर लाइन लिखने के बाद डायग्राम बनाइए, वो डिपेंड आपकी प्रैक्टिस पर करेगा। मैं पहले यहाँ पर कंसिडर लाइन लिख देता हूँ और जिससे कि आपका टाइम सेव हो जाएगा, फिर मैं यहाँ पर क्या करने दूंगा, डायग्राम बनाऊंगा। ओके, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने क्या कराया है, आपके पास मैंने कंसिडर लाइन मेंशन कर ली है और डायग्राम बना दिया, टाइम सेव हो जाए जिस कारण मैंने इसको पहले ड्रॉ कर दिया। देखिए मैं समझा देता हूँ क्या कह रहा है। कंसिडर एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, हमने कोई आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज प्लस क्यू लिया है, प्लेस्ड एट पॉइंट ओ, पॉइंट ओ पर हमने प्लेस करा दिया है। आपके पास पॉइंट क्या है, ओ पॉइंट है, ये है आपके पास पॉइंट। ओके, और यहाँ पर जो चार्ज है वो क्या है, प्लस क्यू है चार्ज। ओके, लेट एस बी एन एनक्लोज्ड सरफेस, जो आपके पास ये एस है, ये क्या आपके पास एनक्लोज सरफेस है, यानी बिल्कुल क्लोज्ड सरफेस है हर तरफ से, दैट इज गॉसियन सरफेस। इसको हमने क्या बोल दिया है, गॉसियन सरफेस बोल दिया है। ये आपके पास क्या है, गॉसियन सरफेस, तभी तो करेंगे हम प्रूफ, क्योंकि गॉस थ्योरम प्रूफ कर रहे हैं तो सरफेस में गॉस सरफेस लेना होगा, यानी गॉसियन सरफेस लेना होगा। अ पॉइंट पी, फिर हमने क्या करा, एक पॉइंट पी प्लेस्ड एट आर डिस्टेंस फ्रॉम ओ, आर डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट पी ले लिया है, ध्यान देना। ओके, इन इनफाइनाइट स्मॉल सरफेस एरिया डी ए, और ये जो पॉइंट लिया है यहीं पर हमने क्या लिया, ये स्मॉल सरफेस एरिया बहुत स्मॉल है, इस टोटल सरफेस के मुकाबले, यानी टोटल सरफेस के अकॉर्डिंग आपके पास ये जो सरफेस है बहुत स्मॉल है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, इनफाइनाइट स्मॉल। अब चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा काम होगा वो होगा, देखिए यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर पॉइंट पी है, इस चार्ज के कारण इस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया, ये आपके पास एरिया वेक्टर का योग डायरेक्शन हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो सबसे पहले जो निकालेंगे, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण अब हम यहाँ पर क्या फाइंड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो पता ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, होता है ये होता है प्लस ई इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, दिस वन से इक्वेशन फर्स्ट, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट कह दिया है। अब आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पर एक कंडीशन और है, डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है, ओपी, यानी ये क्या हो जाएगा, अलोंग ओपी, यानी ओपी के डायरेक्शन में आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। समझ में आया कि सबसे पहले मैंने कैसे निकाला है, सबसे पहले ही मैंने इमेजिन करा है कि कोई गॉसियन सरफेस है, कहीं पर एक पॉइंट ओ लिया है, उस पर हमने एक चार्ज प्लस क्यू ले लिया है, उससे कोई डिस्टेंस पर हमने, यानी आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी लिया है, उस पर हमने बहुत एक छोटा सा क्या लिया है, स्मॉल सरफेस एरिया लिया है, और अब उसको उसको हम क्या कर रहे हैं, अब कन्वर्ट करके अब क्या निकालेंगे, उससे गॉस थ्योरम प्रूफ करेंगे। ओके, नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए आपके पास यहाँ तक समझ में आ चुका था ये, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब कंडीशन को और आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए क्या कर रहा हूँ मैं, एक और कंसिडर पॉइंट को, मतलब लाइन को मैंशन कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या मैंशन कर रहा हूँ, नाउ कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया डी ए, जो हमने स्मॉल एलिमेंट लिया है उसका एरिया जो लिया है, जो स्मॉल आपके पास क्या लिया है, डी ए ले लिया है, विद एरिया वैक्टर
एरिया वेक्टर क्या है, डी ए। इसका जो एरिया वेक्टर है वो ये आपके पास डी ए है, नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द एरिया एलिमेंट, जो क्या है आपके पास इस पर नॉर्मल है, नॉर्मल टू द सरफेस, और वो मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया है? अब जब ये नॉर्मल है और ये सरफेस की बात कर रहा है, इट मीन्स कि आपके पास इस टाइप में कुछ हो सकता है इस पर। ये मैं सपोज दैट कि ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल हो गया, नॉर्मल टू द प्लेन की बात कर रहा है यानी सरफेस की बात कर रहा है, तो ये वाली कंडीशन में क्या चलता है बताइए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चार्ज कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चला, और इस नॉर्मल वाली कंडीशन में क्या चलेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बस ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है इस गॉस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। ओके, एक पॉइंट और आएगा, समझा दूंगा। ये कंडीशन हो गया, इसके बाद में क्या कर रहा हूं, यहां से इसको सर्व कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम सीख चुके हैं, इसको मैं यहाँ इसको भी कर देता हूँ सब। सबसे पहले हमने क्या निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला था। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आगे निकालेंगे। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द इनक्लोज्ड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया डी ए, यानी आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर दे रहे हैं इनक्लोज सरफेस के लिए, और सरफेस एरिया आपके पास क्या है, डी ए के कारण हम क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी इसके लिए निकाल देते हैं। क्या हो जाएगा बताइए, स्मॉल एलिमेंट है तो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा डी फाइ ई स्मॉल के लिए। ये क्या हो जाएगा बताइए, ई डॉट डी ए, एरिया ले रहा हूं इसलिए मैं डी ए लिख रहा हूं, अगर मैं सरफेस लेता हूं ओनली तो मैं यहां पर ई डी एस लिखता, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, थोड़ा सा इसको अगर मैं डॉट रिमूव करूं तो ये क्या हो जाएगा बस डी फाइ ई इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, बताइए क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। जिस वन से इक्वेशन टू, इस वाले को ये वाला टू कह देते हैं, टू, गॉट इट। अभी तो ये निकला है स्मॉल के लिए, हमें निकालना है टोटल, टोटल सरफेस के लिए, टोटल सरफेस के लिए निकालेंगे तो देयरफॉर हो जाएगा आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस एरिया कैपिटल ए। अब देखिए सरफेस था इसका एरिया होगा, सरफेस एरिया उसको हमने कैपिटल ए लिया, टोटल के लिए निकाल रहे हैं तो क्या करते हैं, टोटल के इंटीग्रेट करते हैं, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ए। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, फाई ई आ जाएगा, इसको ध्यान रखना। चलिए इस फाई ई को मैं इस साइड लिख देता हूँ, आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा, पहले लिख दिया मैंने डी फाई ई, और यहाँ पर हो जाएगा टोटल ई डी ए कॉस थीटा। जिस वन से इक्वेशन थर्ड, ये आपके पास इक्वेशन थर्ड है, ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ई डी ए है, ई ई की वैल्यू कहाँ है, यहाँ पर है, इस इक्वेशन फर्स्ट से मैं ई की वैल्यू पुट करा देता हूँ यहाँ पर, आपके पास एक रिलेशन आ जाएगा, मैं यहाँ से इसको सॉल्व कर देता हूँ, ये आपको समझ में आ चुका है। ओके, देयरफॉर पुटिंग, इसको मैं क्या कर देता हूँ, बॉक्स अप कर लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा समझ में आ जाए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से थर्ड में ही वाला कर देता हूँ, इस वाले थर्ड को मैं मेंशन कर देता हूँ। ओके, कंफ्यूज नहीं होना, नोटेशन आप सेम रखिएगा, जब ये वन टू थ्री चल रहा है तो इसी फॉर्म में चलाइएगा। ओके, अब आगे चलते हैं, e की वैल्यू पुट कराने हैं, सो इट विल बी फाइव ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, e की वैल्यू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या हो जाएगा आपको बताइए, q अपॉन आर स्क्वायर, e की वैल्यू पुट करा दी हमने डी ए कॉस थीटा, है तक ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अब क्या कर रहे हैं हम, अब ये करते हैं थोड़ा इसको अरेंज कर लेते हैं, फाइव ई इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास q अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट को तो बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रल इंटीग्रल ऑफ टोटल सरफेस एरिया। अब इनक्लोज्ड है, एक चीज ध्यान रखना, इनक्लोज्ड की बात कर रहा है तो यहां पर एक कंडीशन आ गया आपके पास, ये वाली कंडीशन,
ये वाली कंडीशन आ गई। अब इस वाली कंडीशन का मतलब होता है कि जो सरफेस एरिया है वो कैसा है, क्लोज है, ये ध्यान रखना, मिस मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम क्लोज के लिए बात कर रहे हैं, तो ये क्लोज के लिए यूज होता है, ध्यान रखना इस चीज को। ओके, अब क्लोज पूरे क्लोज सरफेस एरिया के लिए निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपस बताइए, हो जाएगा आपस डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। दिस वन से इक्वेशन फोर, ये होगी आपके पास क्या, इक्वेशन फोर हो चुकी है यहाँ तक। अब इक्वेशन फोर के आगे चलते हैं, यहाँ तक कोई डाउट है? टोटल क्लोज सरफेस के लिए निकाल रहे हैं, तो आपके पास देखिए ये इंटीग्रल बनाएंगे और यहाँ पर ये क्लोज लगा देंगे, तो बस ये ध्यान रखना कि क्लोज करना जरूरी है, विदाउट क्लोज आपके पास गॉसियन सरफेस काम नहीं करेगा, यानी गॉस थ्योरम काम नहीं करेगा। नोट कर लीजिए, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, कर लिया आपने नोट, आप देखते हैं आगे चलें। अब मैं यहाँ पर इसको सफ कर रहा हूँ, सफ कर दिया मैंने इसको, ये हो गया, ये इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया। ओके ओके, अब आपके पास एक वैल्यू को हमें डिस्कस करना है। देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है, यहाँ पर ये वाली वैल्यू, ये आपके पास इस सॉलिड एंगल बोलते हैं ये, और इसको डिनोट करते हैं डी ओमेगा से, सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल डिस्कस कर लेते हैं, तो यहाँ पर एक कंडीशन है आपके पास, बिकॉज डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओमेगा, जो ये वैल्यू है आपके पास डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इसको कंसिडर कर लेते हैं हम डी ओमेगा, ये आपके पास है ना सॉलिड एंगल बोलते हैं इसको। ओके, अब ये हो गया आपके पास डी ओमेगा, यहाँ पर पुट करा दीजिए, therefore it will be phi e is equal to जाएगा आपके पास q upon 4 pi epsilon naught close surface area के लिए आपके पास। ओके, क्या हो जाएगा यहाँ पर d omega, got it, d omega को लिख सकता हूँ यहाँ पर, this one से equation fifth, where d omega क्या आपके पास solid angle है आपके पास, made by small surface area dA, जो किसके द्वारा बना है आपके पास, small surface area जो था आपके पास इसके द्वारा यहाँ पर बना है, got it, अब यहाँ से क्लियर हो गया। अब हमारे पास देखिए कंडीशन क्या आता है, ओके, ये सॉलिड एंगल है, इसकी जो वैल्यू होगी आपके पास, ये प्रैक्टिकल वैल्यू है, आप इसको नोट कर लेंगे, इसकी जो वैल्यू होती है, इस टोटल की वैल्यू की बात कर रहा हूँ पूरे क्लोज के लिए, और क्लोज मतलब टोटल की बात करेंगे, टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, तो आपके पास जो इसकी वैल्यू हो जाएगा, बिकॉज क्लोज सरफेस एरिया डी ओमेगा इज इक्वल टू होता है 4 पाई, इसको नोट कर लीजिएगा आप, 4 पाई होती है इसकी वैल्यू। अब वैल्यू पुट करा दीजिए, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करा दीजिए, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन दिस वन से 6, दिस वन से 5, फिफ्थ एंड 6, इन दोनों इक्वेशन से करते हैं, क्या हो जाएगा आपको बताइए, phi e इज इक्वल टू हो जाएगा q अपॉन 4 pi epsilon naught, और इसकी टोटल वैल्यू आई है आपके पास 4 pi, सो 4 pi कैंसिलेटेड बाय 4 pi, सो phi e इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास q अपॉन epsilon naught, which is required Gauss's theorem, very good, okay, समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया, एक बार और समझा देता हूं, ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फ्लक्स से आपके पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से, और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स से यूनिट जरूर लिखना, यूनिट मत छोड़ना, क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। ओके, इसको जब सॉल्व करेंगे आप, तो आपके पास ये आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब, ये ध्यान रखना। ओके, अब देखिए यहाँ पर समझ में आ गया तो ठीक है, एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए एक मैंने गॉसियन सरफेस लिया। ओके, गॉसियन सरफेस लेने के बाद मैंने क्या करा, एक पॉइंट लिया ओ और उस पर एक चार्ज लिया प्लस क्यू, कुछ डिस्टेंस भी लिया था हमने आर, ये ले रखा देखो आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले रखा, और यहाँ पर क्या है इसके कॉर्नर पे क्या एक पॉइंट पी है, और यहाँ पर हमने एक स्मॉल सरफेस एरिया लिया है। ओके, सबसे पहले जो हमने काम करा था, इस चार्ज के कारण इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने फाइंड करी थी,
अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर रही थी तो हमने एक वैल्यू निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। देन आफ्टर हमने क्या डिस्कशन करा था, हमने डिस्कशन करा था कि अफकोर्स ये स्मॉल सरफेस एरिया है और इस पर ये नॉर्मल है, ओके एरिया वेक्टर, तो यहाँ पर क्या जनरेट होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फिर हमने क्या निकाले कि स्मॉल सरफेस एरिया के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकाली है। जब स्मॉल के लिए निकल गया, इस स्मॉल के लिए जो दिख रहा है आपको बस ये राउंड सा, इस स्मॉल के लिए निकल गया तो हमने क्या करा उसका इंटीग्रल कर दिया, तो टोटल सरफेस के लिए आ गया आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो टोटल आपके पास आ चुका था। अब टोटल के बाद हमने क्या करा, फिर हमने उसको थोड़ा सा और कैलकुलेट करा, जैसे यहाँ पर ये आपके पास कुछ कंडीशन आई थी इस टाइप से, देखिए डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हमने ले लिया सॉलिड एंगल के फॉर्म में यानी डी ओमेगा, और ये क्लोज सरफेस के लिए जो इसकी वैल्यू, क्लोज सरफेस एरिया ए का मतलब हो गया एरिया और इसका मतलब हो गया क्लोज सरफेस, इसकी जो वैल्यू होती है 4π होती है, और 4π हमने पुट करा दिया कहां पर, इस पर 4π पुट कराने के बाद दिस वन कैंसिलेटेड बाय दिस वन, देन फाइनली यू गॉट क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 5a, यानी आपको इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आपने फाइनल फॉर्मूला डिराइव कर लिया है, और इसी को बोला गया है गॉसियन थ्योरम बोल सकते हैं, गॉसियस थ्योरम बोल सकते हैं, ये गॉसियस का मतलब गॉस का थ्योरम, ओके। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिएगा जिससे कि आप सभी को प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे, कोई भी डाउट हो बेफिक्र होकर के कॉमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।